हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी प्रज्ञा मैम, और आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले के जो 6 चैप्टर्स है उसमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे एज अ ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग पर्पज से आए रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला लेते हैं। साम्राज्य फैलाने के बाद यहाँ के लोगों का शोषण करने लग जाते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का शोषण करने लग जाते हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो यहाँ के लोग हैं वो उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं, और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हमको एकजुट होकर ब्रिटिशर्स को हमारे जो देश है उसे बाहर निकालना है। और फाइनली जो है ब्रिटिशर्स जो है वो मान जाते हैं कि वो हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। तो हमको ये देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, एक ऐसा स्वतंत्र देश, ठीक है, जिसके नेता हम खुद चुनेंगे, ऐसा स्वतंत्र देश हमको कैसे मिला, कैसे ये जो फॉर्मेशन हुआ इंडियन रिपब्लिक का वो कैसे हुआ। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड अंडरस्टूड इट वाज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू देयर रूल इन इंडिया, देयरफॉर द करंट प्राइम मिनिस्टर एडली इन 1946 अनाउंस्ड दैट दे वुड लीव इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड को इस बात समझ में आ गई कि अब जो है यहाँ इंडिया में रूल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने 1946 में अनाउंस किया मतलब घोषित किया कि वो इंडिया छोड़ देंगे जल्दी से जल्दी। आफ्टर दैट दे डिसाइडेड टू हैंड ओवर द पावर ऑफ अटर्नी बैक, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे स्टार्टेड टॉकिंग टू इंडियन लीडर्स। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो पावर ऑफ अटर्नी मतलब यहाँ जो इंडिया का जो राज्य है, ठीक है, जो यहाँ पे वो राज्य करते आ रहे थे, तो पावर जो है, पावर ऑफ अटर्नी का मतलब होता है कि किसी किसी के पास जो पावर है, ठीक है, जो मतलब पूरा का पूरा राष्ट्र उनका है, पावर है, तो वो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो उनको बैक दे देंगे, ठीक है। और इस कंटेक्स्ट में और इस विषय में वो इंडियन लीडर्स हैं उनसे बातचीत करने लग गए। दे प्रपोज टू फॉर्म 3 इंटर मिनिस्टर्स इन देयर कैबिनेट एंड प्रपोज टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया कि वो 3 इंटरिम मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे कैबिनेट में। इंटरिम मिनिस्टर्स का मतलब होता है एक टेम्पररी मिनिस्टर्स हम यहाँ पे अपॉइंट करके चले जाएंगे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी हम दे के जाएंगे, प्रपोज करेंगे। और वो उन्होंने प्रपोज किया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म कर लो। इट वाज डिसाइडेड इन द ट्रीटी दैट इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पर्सन चूजन बाय रीजनल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रूलर्स ऑफ इंडियन प्रोविंस विल चूज देयर पीपल एंड दे ऑल वेयर नॉमिनेटेड। दिस वॉज नोन एज कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो भी लीडर्स होंगे उसको जो लोग हैं वो खुद चूज करेंगे, और वो नॉमिनेट अपने आप करवा सकते हैं, उसके बाद जो है लोग यहाँ पे चूज करेंगे, और इसे क्या कहा जा रहा था, कैबिनेट मिशन। तो अब हमको देखना है ये इंटरिम गवर्नमेंट, जो टेम्प्रेरी इंडियन गवर्नमेंट है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो। तो यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पिक्चर है। तो इन दिस वे ऑन इन्विटेशन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अपॉइंटेड एज ए लीडर ऑफ इंटरन गवर्नमेंट इन 1946। तो जैसे कि यहाँ पे सारी जो बातें हो रही थी, तो वैसे ही इन्विटेशन दिया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल को कि, और यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको जो है हमारे देश का पहला जो लीडर है ना, एक लीडर बनाया गया ये जो इंटरन गवर्नमेंट है 1946 में उनका। अदर देन दिस, अंडर प्रेसिडेंट शिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्म्ड विच स्टार्टेड फंक्शनिंग इन दिसंबर 1946। और इसके अलावा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, जो कि 19 दिसंबर 1946 से फंक्शन करना स्टार्ट कर दी। बट मुस्लिम लीग एंड इट लीडर डिड नॉट टेक पार्ट इन। लेकिन जो मुस्लिम लीग था और जो उनके लीडर्स थे वो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है उसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई थी लीडर्स टेकिंग ओथ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो बुक है उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और अगर मेरा ये वीडियो वहाँ तक पहुँच पाए और ये जो बुक्स है उसको रिवाइज किया जाए, जो जितनी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जो ये जो स्पेलिंग दिया गया है VAI VAIL, ये गलत है, ये इसका स्पेलिंग होगा WAVELL। तो यहाँ पे इस तरीके के स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे जो नेता है उनके नाम गलत दिए गए हैं, कुछ जो स्पेलिंग्स है वो भी मिस्टेक्स है। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बच्चों तक जो है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ही गलत चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक में ही गलत चीजें दी गई हुई हैं।
तो हम आगे बढ़ेंगे। डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय द लीग। अब जो है देखिए, मुस्लिम लीग जो है ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई इसमें पार्ट नहीं ले रही थी, वो इस चीज़ से नाखुश थे। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो भी दी गई हुई है। तो मुस्लिम लीग वाज डिमांडिंग फॉर सेपरेट पाकिस्तान। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड कर रही थी कि उनको क्या है, अलग राष्ट्र चाहिए अपने लिए, जिसका वो क्या नाम देना चाह रही थी, पाकिस्तान। बट कांग्रेस डज नॉट वॉन्ट डिविजन ऑफ पाकिस्तान, बट लीग स्टार्टेड स्ट्रेसिंग ऑन देयर डिमांड्स। लेकिन जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि हमारी कंट्री का विभाजन हो, डिवीजन हो पाकिस्तान के रूप में। इसलिए जो लीग है, ये जो मुस्लिम लीग है, वो स्ट्रेस करने लगी, जोर देने लगी अपने डिमांड्स पर। दे डिड नॉट जॉइन द इंटरिम गवर्नमेंट अर्लियर, बट लेटर जॉइन एंड कीप इंटरफेयरिंग एंड डिस्टर्बिंग इट्स फंक्शनिंग। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने ये जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे थे, उसको उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बाद में क्या है, उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद जो है वहाँ सिर्फ हस्तक्षेप करते रही और डिस्टर्ब करते रही इनकी जो फंक्शनिंग है उसको। तो हमको देखना है स्ट्रेट एक्शन डे ऑफ लीग। नाउ मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट, देयरफॉर इट वाज अनाउंस्ड दैट 19 अगस्त 1946 वुड बी स्टेट एक्शन डे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो उनको चाहिए ही चाहिए था पाकिस्तान किसी भी कीमत पे, इसलिए उन्होंने क्या अनाउंस किया, 19 अगस्त 1946 को वो एक स्टेट एक्शन डे घोषित करेगी। तो ड्यू टू विच कम्युनल राइट टू प्लेस इन बंगाल, बिहार, बॉम्बे एक्सेट्रा, इन दीज राइट्स ड्रास्टिक ब्लडशेड टू प्लेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो ये जो स्टेट एक्शन डे उन्होंने जो घोषित किया उसके कारण बहुत जगह कम्युनल राइट्स, मतलब बहुत जगह दंगे फसाद हुए, कहाँ कहाँ पे, बंगाल, बिहार और बॉम्बे में। और ये जो दंगे फसाद हुए इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। टू स्टॉप दिस राइट्स ब्रिटिशर्स did not do much. In this manner, lakhs of people died and crores become homeless. और ये जो दंगे फसाद हुए इसमें ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और इस तरीके से जो है लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों लोग जो है वो बेघर हो गए। But in this period, no right took place in Chhattisgarh because हियर पीस इज ऑलवेज एस्टैब्लिश एंड इट इज सिम्बॉलिक ऑफ ब्रदरहुड ऑफ पीपल हियर। तो यहाँ पे जब बाकी जगह में दंगे फसाद हो रहे थे, बंगाल, बिहार, ये सब हमारे पड़ोसी राज्य ही हैं, जो हम वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, तब छत्तीसगढ़ में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। यहाँ पे हमेशा से शांति का माहौल रहा है और हमेशा जो है हम अपने जो लोग हैं उनके साथ भाईचारा की जो भावना है उसे हमेशा निभाते आए हैं। दिस इंसिडेंसेस हर्ट गांधी जी वेरी मच, ही विजिटेड द राइट अफेक्टेड एरियाज एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश पीस। तो इसलिए जो है ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो घटनाएं हुई, इसको गांधी उसके कारण गांधी जी को बहुत धक्का पड़ा और वो जो है उन्होंने जो है ये जो राइट अफेक्टर, ये जो दंगे फसाद वाला एरिया है वहाँ पे बुक गए और वहाँ पे शांति बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट हमको देखना है माउंटबेटन पॉलिसी के बारे में। तो इन दिस पीरियड ऑफ एनआरसी In March 1947, Lord Mountbatten was appointed as a new Viceroy of India. He talked to both the leaders of two groups and sects. तो यहाँ पे जब कोई एक पर्टिकुलर शासन नहीं था, एनआरसी मतलब होता है जब किसी राष्ट्र में कोई पर्टिकुलर शासन नहीं होता, मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं और इंडिया को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने को वॉइसरॉय अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए और उनको यहाँ भेजा गया। तो उन्होंने जो तो दोनों जो लीडर्स थे, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मुस्लिम और हिंदू के जो ग्रुप हैं, ठीक है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, इनके जो लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं। उसके बाद ये प्रपोज करते हैं, ये सुझाव देते हैं कि इंडिया को अब दो नेशंस में डिवाइड कर देना चाहिए। तो इंडिया एंड पाकिस्तान एंड प्रपोज दिस पॉलिसी ऑफ टू इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पे उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो इंडिया है उसको दो नेशंस में हमको डिवाइड करना है, इंडिया और पाकिस्तान में, और इनकी अलग से पॉलिसीज बनेंगी, ये दो इंडिपेंडेंट नेशन कहलाएंगे। अब हमको देखना है पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब फाइनली जो है माउंटबेटन पॉलिसी के आधार पर इंडिया का विभाजन करना है। तो विभाजन कैसे हुआ, कांग्रेस वॉज स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बट आफ्टर हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड द कंट्री दो ही डिड नॉट वॉन्ट इट। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा उनको दृढ़ विश्वास था, वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे
कि उनको मतलब कंट्री में यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ रहना है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दंगे हुए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम कम्युनल रॉट जो दंगे हुए, दंगे फसाद हुए बंगाल बिहार और एक्सेट्रा और जो जगहों पे दंगे हुए, उसके बाद यही डिसाइड किया गया कि जो कंट्री है उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस साथ ही साथ में नहीं चाहती थी कि इंडिया डिवाइड हो, लेकिन ये जो कम्युनल राइट्स हुए और मुस्लिम एकदम अड़ गए थे अपने डिमांड पे कि उनको अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, इसलिए जो है इंडिया का विभाजन करना ही पड़ा। इन दिस मैनर वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, ऑल दिस प्रोविंस वेयर वॉज जॉइंटली नॉन एज पाकिस्तान एंड इट वॉज इन अनदर कंट्री। तो इंडिया का कुछ पार्ट जिसमें वेस्टर्न पंजाब हो गया, ईस्टर्न बंगाल हो गया, सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री जो है हमारे कंट्री की, वो इस प्रोविंस में आई और इस प्रोविंस को क्या कहा गया, पाकिस्तान, जो कि एक अलग ही राष्ट्र बन के रह गया। तो डिविजन ऑफ इनडिविजिबल इंडिया वॉज मोस्ट सॉरफुल इन इंसिडेंट्स फॉर इंडियन। आफ्टर पार्टीशन मैनी प्लेसेस हैड टू फेस कम्युनल राइट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, स्पेशली इन पंजाब एंड बंगाल। दीज राइट्स क्रिएटेड मिसट्रस्ट इन द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जब डिविजन हुआ, ठीक है, जो जिस इंडिया को हम डिवाइड नहीं करना चाहते थे, इनडिविजिबल इंडिया का, जिसमें हम यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे, जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया था, तब हम इस चीज़ को लेके चल रहे थे कि सारा जो कंट्री है, सारा जो राष्ट्र है, वो एक जुट होकर लड़ाई लड़ेगा, भाईचारा के भावनाओं के साथ लड़ाई लड़ेगा। तो ये जो इनडिविजिबल इंडिया था उसका डिविजन तो हो गया, लेकिन ये बहुत ही दुखदायी घटना थी इंडियंस के लिए। तो पार्टीशन के बाद में जब ये विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे दंगे फसाद हुए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, स्पेशली जो पंजाब और बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे। और ये जो राइट्स है, ये पूरा वातावरण जो था, जो खुशी की जो लहर दौड़ी थी कि हाँ हमारा देश जो है अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है, वो एकदम मिसट्रस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा दुख वाला जो एनवायरमेंट होता है, दुख वाला जो माहौल होता है, उसको इसने क्रिएट कर दिया। ड्यू टू विच अ ग्रेट लॉस ऑफ कैपिटल एंड पीपल टू प्लेस। तो इसके कारण बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई, मतलब पैसा भी गया, मतलब लोगों कैपिटल कैपिटल मतलब बहुत ज्यादा पैसों की बर्बादी भी हुई और लोगों का भी बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ। कई लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग बेघर हो गए, बहुत सारी इंसिडेंट्स हुए इस पार्टीशन के बाद में। दीज वेयर अ बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। तो ये जो है, ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा बैरियर रह गया, एक रुकावट बन के रह गया। सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज टू स्टे इन हारमोनी विद ईच अदर। इसलिए ये कहा जाता है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एकदम खुशहाली के साथ, सुख सुविधा, सुख शांति के साथ, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एकदम हारमोनी के साथ रहना चाहिए। ड्यू टू द पार्टीशन इंडिया हैज टू फेस टू मच ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और इस पार्टीशन के कारण जो इंडिया है उसको बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़े, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें आई। क्या क्या दिक्कतें आई? मोस्ट ऑफ द जूट एंड कॉटन मिल्स वेयर लेफ्ट इन इंडिया, बट द एरिया वेयर जूट एंड कॉटन प्लांटेशन टू प्लेस वास नाउ इन पाकिस्तान। तो भाई जहाँ जो जूट और कॉटन के जो मिल्स है वो इंडिया में रह गए, और जो एरिया जहाँ पे जूट और कॉटन उगाए जाते थे, जहाँ इनकी खेती की जाती थी, वो एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। मतलब जो रॉ मटेरियल वाला एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया, जो फैक्ट्रीज है, मिल्स है, वो यहाँ रह गई। तो ड्यू टू विच जूट एंड कॉटन मिल्स वेयर क्लोज्ड। और इसके कारण जो है जूट और कॉटन मिल्स को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। वीट, राइस एंड अदर इरीगेशनल रीजन्स वेयर नाउ इन पाकिस्तान, विच कॉज्ड हैवी शॉर्टेज ऑफ फूड इन इंडिया। तो जो वीट, राइस कल्टिवेट और अदर इरीगेशन एरिया से थे, जो पाकिस्तान में थे, उसके कारण भी जो है हमारी कंट्री में फूड की शॉर्टेज हो गई। तो उसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। फाइनली जो है इंडिया का विभाजन भी हो चुका है, अब एक नया एक्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके बारे में हमको देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन पॉलिसी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ऑन 18 जुलाई 1947। तो जो ये माउंटबेटन की पॉलिसी थी उसके उसके साथ ही ना, उसके उसको देखते हुए, उसके बेसिस पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पास किया गया पार्लियामेंट में। कहाँ के पार्लियामेंट में? इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, 18 जुलाई 1947 में। इन दिस लॉ इट वॉज
It was said that on 15 August 1947, India and Pakistan would be two independent nations. After that, England will have no right on them. तो यहाँ पे इस लॉ के तहत ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद में इंडिया और पाकिस्तान जो दो नेशंस बने हैं वो दो दो इंडिपेंडेंट नेशंस बन जाएंगे और इंग्लैंड का उसमें कोई भी अधिकार नहीं रहेगा. अब नेक्स्ट हमको देखना है डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस का डिक्लरेशन कैसे हुआ. इन दिस वे इन द मिड नाइट ऑन 14 अगस्त वन 15 अगस्त 1947 स्टार्टेड. तो जब आधी रात का समय था, जब 14 अगस्त का आधी रात का समय था, जब 15 अगस्त स्टार्ट हुआ 12 बजे जैसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, वैसे ही जब 15 अगस्त 1947 स्टार्ट हुआ, एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड सेड. उसी समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया अब एक क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है, इंडिपेंडेंट नेशन है. और उन्होंने क्या कहा, विथ इंडिपेंडेंस अ न्यू लाइफ एंड फ्रीडम अरोज इन इंडिया. और इस स्वतंत्रता के बाद, इस इंडिपेंडेंस के बाद में एक नया, एक नई लाइफ यहाँ पे स्टार्ट होगी और फ्रीडम जो है इंडिया को आखिरकार मिल गई है. कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड वर्किंग एज पार्लियामेंट हाउस. और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे उसको एज अ पार्लियामेंट हाउस रन करने लग गया, वो अपना काम उसने चालू कर दिया. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड माउंटबेटन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. खैर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो आप सभी को याद होगा, लेकिन अगर कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे. ऑन 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द फ्लैग इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स एट लाल किला इन दिल्ली. तो जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 में झंडा फहराया, अपना जो तिरंगा झंडा है सुबह सुबह के समय उसको फहराया. तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, तो पंडित नेहरू विद लॉर्ड माउंटबेटन टेकिंग ओथ एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो पिक्चर दी गई है, पिक्चर क्लियर नहीं है. तो अलॉन्ग विद द होल नेशन करंट फूड मिनिस्टर आर के पाटिल होस्टेड द फ्लैग एट रायपुर इन छत्तीसगढ़. इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस. तो जब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे जो फूड मिनिस्टर थे, करंटली जो फूड मिनिस्टर थे आर के पाटिल, उन्होंने भी रायपुर में झंडा फहराया था. अब उसके बाद देखना है मर्जिंग ऑफ इंटर प्रोविजनल स्टेट्स. तो यहाँ पे जो इंटर प्रोविजनल स्टेट्स का मतलब होता है ऐसे स्टेट्स जो किसी ना किसी राजा के अधीन थे, किसी प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, जैसे किसी राजा के अधीन थे, उसको अब इंडिया में मर्ज कैसे किया जाए. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो स्टेट किसी राजा या किसी भी प्रिंस वगैरह के अधीन था, उनको ये बात को समझाना कि अब आप राजा नहीं रहे, अब आपको इंडिया के अंदर मर्ज होना है, ये बात के लिए उनको राजी करना बहुत ही मुश्किल था. तो ये सारी जो चीजें हैं ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. तो इंडिपेंडेंट इंडिया हैज टू डू लॉट्स ऑफ वर्क. फर्स्ट वन वाज टू यूनाइट ऑल पॉलिटिकल स्टेटस. तो इंडिपेंडेंट इंडिया को बहुत सारे काम करने थे, तो बहुत सारे काम में एक काम ये था कि जो पॉलिटिकल स्टेटस है जो हमारी कंट्री का, उसको यूनाइट करे, उसको एक रखे. यहाँ पे कोई भी अलग से राजा महाराजा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एक प्रेसिडेंट रहेगा, एक कैबिनेट रहेगी, एक पार्लियामेंट होगा. ये जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसको यूनाइट करके रखना था. तो देखिए ये काम तो था, इसके साथ ही साथ बहुत सारे काम थे. तो जैसे कि हमको अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचना था और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी थी. बहुत बड़ा इसमें नहीं दिया है, इसे हमारी बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि अगर आपको पता होगा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हम सारे जो इम्पोर्टेंट काम काज होते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं. क्यों? क्योंकि जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, तो जो साउथ इंडियन पीपल है, जो तमिल, जो साउथ बोलने वाले जो लोग हैं, उनको हिंदी नहीं आती. उन्होंने मना कर दिया कि वो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हिंदी सीखेंगे नहीं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा उसको नहीं लेना चाहते. इसलिए
किताबी तौर पर हिंदी है, लेकिन हमारे जो जितने भी आप जो सर्कुलर्स निकलते हैं जितना भी है सब इंग्लिश में होता है। तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्टेट चाहता है ये वो हिंदी यूज़ करना चाहता है तो हिंदी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी सर्कुलर्स वगैरह जो है, जो भी मेमोज निकलते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में निकलते हैं। इवन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो गया, हर चीज़ जो है हिंदी में ही निकलता है, लेकिन बाकी जो है सेंट्रल से जितनी चीज़ें आती है वो इंग्लिश में आती है, ताकि ऑल ओवर जो इंडिया अगर कोई सर्कुलर निकलता है अगर इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो सारे इंडिया के लिए रहता है। तो इसमें क्या होता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर वो निकालते हैं तो कुछ लोग जो है उसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए सेंट्रल से जो निकलता है वो इंग्लिश में निकलता है, बाकी रीजनल जो है वो अपना खुद का भाषा चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड करनी पड़ी। जैसे कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन जो है जो जो एजुकेशन हो गया तो वो तो स्टेट लेवल पे डिसाइड होता है, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो है सेंट्रल लेवल पे डिसाइड होती है। तो ये सारी चीज़ें हम सिविक्स में भी बहुत हद तक पढ़ेंगे, तो उसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे। तो इन 1947 रीजन्स विच वेयर ब्रिटिश रूल्ड एंड अदर देन दीज नियरली 550 प्रोविंस विच वेयर इंडिपेंडेंट एंड ब्रिटिश हैड नो कंट्रोल ओवर देम। तो यहाँ पे 1947 में बहुत सारे रीजन जो है ब्रिटिश के अंदर तो थे, लेकिन 540 प्रोविंस ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, जिसके ऊपर ब्रिटिश का कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस दैट अलॉन्ग विद इंडिया द इंडिपेंडेंट प्रोविंस आर ऑल्सो फ्री। लेकिन इंडिपेंडेंस के समय यह अनाउंस ये घोषित किया गया था कि इंडिया के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट प्रोविंस है जहाँ पे किसी राजा महाराजा का अधिकार चल रहा है, वो भी अब क्या है फ्री हो जाएंगे। देयरफॉर द डिसीजन वाज टेकन दैट दीज स्टेट्स हैव टू गो टू आइदर पाकिस्तान और इंडिया एंड इट वॉज इन देयर हैंड्स। तो ये डिसाइड किया गया जब इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री को मिला, तो ये डिसाइड किया गया कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं इनको या तो पाकिस्तान के अंडर जाना है या तो फिर इंडिया के अंडर जाना है। तो ये टोटली उन पर डिपेंड करता है कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के को ज्वाइन करना चाहते हैं। बट इफ़ दीज स्टेट्स रिमेन इंडिपेंडेंट इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और अगर ये जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इससे हमारी कंट्री की जो यूनिटी है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। देयरफॉर मिक्सिंग ऑफ दिस प्रोविंस वॉज नेसेसरी एंड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वॉज करंटली होम मिनिस्टर एट दैट टाइम। इसलिए जो ये मिक्सिंग थी, ये जो प्रोविंस थे, ये 550 जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनको इंडिया या पाकिस्तान में मिक्स करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, जो उस समय करंटली वहाँ के हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल केम टू नागपुर इन दिसंबर 1947 फॉर मिक्सिंग ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो नागपुर आए थे दिसंबर 1947 में, ताकि छत्तीसगढ़ को मिक्स कर सके। आफ्टर हिज डिसीजन द टोटल 14 प्रोविंस मिक्सड विद इंडिया। और उनके डिसीजन के बाद में जो जितने 14 प्रोविंस थे यहाँ पे उसको इंडिया में मिक्स कर दिया गया। बाय मिक्सिंग ऑफ कवर्धा शक्ति छुई खदान टुक प्लेस आफ्टर ए मास मूवमेंट। तो ये जो तीन प्रोविंस है, कवर्धा हो गया, ठीक है, शक्ति हो गया, छुई खदान हो गया, इसमें एक जन आंदोलन हुआ, उसके बाद जो है ये मिक्सिंग वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इन दिस वे सरदार पटेल विथ हिज लॉजिकल थॉट मिक्स 562 प्रोविंस विथ इंडिया एंड दे अग्रीड इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी रेबल। तो ये जो सरदार पटेल है उनका जो लॉजिकल थॉट था, उनकी जो सोचने की शक्ति थी, लोगों को समझाने की शक्ति थी, उससे उन्होंने 562 प्रोविंस जो है इंडिया में मिक्स किए, वो भी किसी विद्रोह के बिना। तो बिकॉज ऑफ हिज शार्प पर्सनैलिटी ही वॉज नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। नाउ मिक्सिंग ऑफ जूनागढ़ कश्मीर एंड हैदराबाद पास लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो बहुत ही शार्प पर्सनैलिटी थी उनके, बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा था, है ना, वो अपनी बातें जो है मनवा के रहते थे, इसलिए उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है इंडिया का। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो चैलेंज था वो था मिक्सिंग ऑफ जूनागढ़ कश्मीर एंड हैदराबाद। तो मर्जिंग ऑफ जूनागढ़, तो जूनागढ़ वॉज ए स्मॉल प्रोविंस ऑफ गुजरात सौराष्ट्र। द नवाब ऑफ जूनागढ़ वॉन्ट्स टू एसिमिलेट विद पाकिस्तान बट द पीपल ऑफ जूनागढ़ वॉन्टेड टू स्टे इन इंडिया। देयरफॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक द नवाब रन अवे टू पाकिस्तान। इन दिस मैनर इन 1948 जूनागढ़ वॉज एसिमिलेटेड इन इंडिया। एसिमिलेटेड का मतलब होता है मिल जाना। तो जूनागढ़ एक छोटा सा प्रोविंस है गुजरात में, सौराष्ट्र जिसे कहा जाता है। तो नवाब जो था जूनागढ़ का, वो चाहता था कि अपने प्रोविंस को वो पाकिस्तान में मिक्स करे, लेकिन जो वहाँ की जनता थी वो चाहती थी कि वो इंडिया में ही रहे,
इसलिए जो प्रेशर था पब्लिक का, जो प्रेशर था, जनता जनता जनार्दन होती है जैसे कि बोला जाता है, तो जनता का प्रेशर ये था कि वो इंडिया में ही रहे, इसलिए जो नवाब है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है पाकिस्तान, और इस तरीके से 1948 में जूनागढ़ जो है इंडिया के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद देखना है हमको एसिमिलेशन ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में हमको देखना है। तो रूलर रूलर ऑफ कश्मीर वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट, बट द पीपल ऑफ कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला वांटेड टू असिमिलेट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो रूलर थे कश्मीर के, वो चाहते थे वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन जो कश्मीर के वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते थे अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला, वो चाहते थे कि वो इंडिया में मिक्सअप हो जाए। तो जैसे कि जनता जनार्दन होती है, जनता की बात ही मानी जाती है। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द एनकरेजमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड इंट्रूडर स्टार्टेड अटैक ऑन कश्मीर। तो जैसे ही हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला, पाकिस्तान पाकिस्तान के सहयोग से जो आर्म्ड है ना घुसपैठी है वो कश्मीर में अटैक करने लगे। देन द किंग ऑफ कश्मीर अग्रीड टू साइन द असिमिलेशन ट्रीटी। आफ्टर दैट इंडियन सोल्जर्स थ्रू दिस इन्वेडर्स आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। तो उसके बाद जो है कश्मीर है ना, यहाँ पे पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी यहाँ पे घुसपैठ करने लग गए थे कश्मीर में। तो ये सब देखते हुए जो किंग था कश्मीर का, उसने एक ट्रीटी साइन कर ली, एसिमिलेशन ट्रीटी जो है साइन कर ली। उसके बाद जो है जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने ये जो घुसपैठी हैं उनको हमारी कंट्री के बॉर्डर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखना है एसिमिलेशन ऑफ हैदराबाद। ये सबसे टफ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट टू ऑन द डिसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। तो जो निज़ाम था हैदराबाद का, वो चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे पाकिस्तान को देखते हुए, मतलब उसकी कॉपी, डिसेप्शन मतलब कॉपी करते हुए। मतलब उसका कहना ये था कि जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन सकता है तो मैं इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं रह सकता। बट पीपल ऑफ हैदराबाद अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी रामानंद तीर्थ वांटेड टू असिमिलेट इट विद इंडिया टू सप्रेस देयर डिमांड। निज़ाम स्टार्टेड टॉर्चरिंग दिस पीपल्स। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया हर जगह जनता जनार्दन है, वो चाहता था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद चाहता था इंडिपेंडेंट रहना, लेकिन जो वहाँ के लोग थे हैदराबाद के जो लोग थे वो स्वामी रामानंद तीर्थ के गाइडेंस में इंडिया में मर्ज अप होना चाहते थे, एसिमिलेट होना चाहते थे। और उनकी जो डिमांड है, वहाँ की जो पब्लिक की, जो जनता की जो डिमांड है, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए निज़ाम जो है वहाँ के लोगों को टॉर्चर करना उसने चालू कर दिया। एट लास्ट इंडियन सोल्जर्स टुक एक्शन अगेंस्ट निज़ाम एंड हैदराबाद प्रोविंस वाज असिमिलेटेड इन इंडिया। और आखिरकार जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको निज़ाम के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद जो है हैदराबाद भी जो है इंडियन प्रोविंस में मिक्सअप हो गया। अब नेक्स्ट हमको देखना है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनकी फोटो जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, आप सब कोई जानते होंगे, करता धरता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी उसकी। तो इन दिस पीरियड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर सोसाइटी वाज फॉर्म्ड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब जो है हमारी कंट्री के लिए संविधान लिखना भी बहुत जरूरी था। तो जो हमारी कंट्री के संविधान को लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर सोसाइटी का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। He gave it its last shape or last form or shape on 26 November 1949. तो फाइनली जो है हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया सॉरी जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फाइनली उसको शेप दिया गया 26 नवंबर 1949 में। बट इट वॉज फुली एस्टैब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। इन दिस वे इंडिया बिकम टोटली इंडिपेंडेंट नेशन एंड द डे वॉज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुली एस्टैब्लिश हुआ, पूरी तरीके से उसका गठन हो गया। तो इसलिए जो है हमारा जो रिपब्लिक डे है वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इस दिन पे हमारा कंट्री जो है वो टोटली एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के रह गया, ठीक है। और देखिए 3 साल लग गए है ना सब चीज़ों को सेटअप करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1947 में हमको आज़ादी मिली, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर मिलाने के लिए बहुत टाइम लग गया, और अभी भी जो है बहुत सारे डेवलपमेंट की बातें होती जा रही है। तो इस डे पे हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट इंडियंस केम टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी एंड डेमोक्रेसी। तो जब इंडियन नेशनल मूवमेंट था तब इंडियंस को ये बात समझ में आई कि इंडिपेंडेंस की वैल्यू क्या होती है, स्वतंत्रता की वैल्यू क्या होती है, इक्वालिटी की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रिटी की वैल्यू क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। तो दीज आर गिवन इंपॉर्टेंस इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें ये जो पॉइंट्स है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिखा गया है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कल्चरल वैल्यूज ऑफ अवर कंट्री विच इज इंक्लूडेड इन इट। तो हमारी जो कंट्री है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा गया है जो हमारी कंट्री के जो कल्चर
कल्चरल वैल्यूज है उसको ध्यान में रखते हुए एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इज डन, यू विल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन इन सिविक्स पार्ट इन डिटेल. तो उसके आधार पर जो है हमारा गवर्नमेंट काम करती है. हमारे कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स के लोग रहते हैं, इनके हिसाब से जो हमारी कंट्री काम करती है. तो ये सारे जो वर्ड्स है, ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कितना महत्व है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम सिविक्स जब पढ़ेंगे तब उसमें भी हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.